सबसे वीवीआईपी सीट माने जाने वाली रायबरेली से सोनिया गांधी एक बार फिर अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। दरअसल शुरुआती दौर में इस बात की चर्चा हो रही थी कि शायद इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि उनकी जगह कांग्रेस किसी दूसरे उम्मीदवार को घोषित कर सकता है, लेकिन जब कांग्रेस की सूची जारी हुई और उसमें सोनिया गांधी का नाम आया तो यह तय हो गया कि इस बार एक बार फिर सोनिया गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ने जा रही है। दरअसल रायबरेली सीट से सोनिया गांधी चार बार चुनाव जीत चुकी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालिए आप तो 2004, 2006, 2009 और 2014 में सोनिया गांधी रायबरेली की सीट से सांसद चुनी गई हैं और काफी बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीतती आई हैं। इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के बागी नेता दिनेश प्रताप सिंह को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह पुराने कांग्रेसी माने जाते हैं और गांधी परिवार से वो काफी उनकी नजदीकी चर्चा में भी रहती थी, लेकिन बीते कुछ दिन पहले कांग्रेस उनकी नाराजगी बढ़ी और उसके बाद खुद अमित शाह ने दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी में शामिल करवाया। अब दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के सामने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है उसने इस बार रायबरेली सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, हालांकि अमेठी सीट पर भी गठबंधन ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी थी कि इस बार जो प्रमुख सीटें हैं यानी कि अमेठी जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है, वहां पर गठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा, लिहाजा रायबरेली में भी गठबंधन ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि अगर आप पीछे की चर्चा करिए तो शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी जरूर रायबरेली सीट से अपना उम्मीदवार घोषित करती रही है, लेकिन चूंकि इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है लिहाजा इस बार उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो रायबरेली सीट की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ खुद सोनिया गांधी हैं जो कि सिटिंग सांसद हैं, चार चार बार वहां से चुनाव जीत चुकी हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह हैं जो कि कांग्रेस के बागी नेता हैं, इस बार बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। लिहाजा सबकी निगाह इस संसदीय क्षेत्र पर टिकी हुई है कि इस बार जो चुनाव है वो कैसा होगा, वोटरों का रुझान किस तरफ जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज 24।